देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बस इसके आगे मैं खुद चले जाऊंगी। ये क्या? रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। कैसा रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर? मैंने अर्जुन सूर्यवंशी के खिलाफ FIR करवाई है कि वो मेरी बेटी के आसपास नहीं आएगा। काव्या बेबी, काव्या बेबी स्कूल के अंदर चलो, क्लासेस शुरू होने वाली है। अरे बस एक मिनट, वो कुछ बात कर रही है ना, उसके बाद तो उसे स्कूल के अंदर जाना ही है। बोलो। नहीं नहीं मैडम, आप जाइए। काव्या बेबी आप अंदर चलिए। कोई नहीं अंजलि, आप जाओ, मैं बाद में बात करती हूँ। बेबी ऐसे नाम से बुलाते हैं? हाँ, ये मेरी फ्रेंड है। अच्छा बताओ कौन सी बात बोलनी थी आपको? आप भी बहुत अच्छी हो। I like you too. I like you so much. You are my favorite. मैडम अब आप जाइए, काव्या बेबी आप अंदर चलिए। ओके बाय बाय। कौन आ रहा है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? अंजलि क्या हुआ, तुम ठीक हो? अब ये कुछ ठीक लग रही है। इसकी बात मत सुनो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर ये सब कैसे हुआ तुम्हें? ये सब इतनी चोट लगी तुम्हें? वो कार पार्किंग से निकाल रही थी ना मैं, तो रिवर्स करते वक्त अचानक से क्रैश की आवाज आई और एकदम से ना सब कुछ ब्लैकआउट हो गया, और जब मैंने आंखें खोली तो यहाँ हॉस्पिटल में थी मैं। Oh my God. ये अच्छा हुआ कि तुम आ गए। अगर तुम नहीं आते तो
शायद मैं जी नहीं पाती। कुछ भी बकवास, नौटंकी मत करो। सिस्टर ये ठीक है ना? हाँ जी अब ये बिल्कुल ठीक है, तभी तो हम इन्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं। अच्छा तो तुमने अपना खुद डिस्चार्ज भी करवा लिया? और नहीं तो क्या, मैं तुम्हें परेशान कैसे कर पाती वरना। अब तुम्हें मेरा ख्याल रखना पड़ेगा और देखना मैं अच्छी तरीके से रखवाऊंगी। चलो आराम से। एक सेकंड सिस्टर, जरा व्हीलचेयर लेके आना प्लीज। नहीं नहीं, व्हीलचेयर को तकलीफ देने की क्या जरूरत है, तुम जो हो मेरे साथ, तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए, मुझे व्हीलचेयर की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुमने जिसका एक्सीडेंट किया वो बंदा ठीक तो है ना? ऑनेस्टली मैंने जिसका एक्सीडेंट किया मैं उसकी शक्ल देख नहीं पाई, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि किसका एक्सीडेंट किया मैं। कमाल है, उसका एक्सीडेंट भी कर दिया और पता भी नहीं कि वो कैसा है। कम ऑन ऋषभ, क्या हुआ ऋषभ? कैसा ऋषभ? वो आप लोग घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अभी बाहर गए ऋषभ भैया की रिपोर्ट लेने के लिए, वो बोल के गए कि ही सेफ, ही इज आउट ऑफ डेंजर, सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। अच्छी बात ये कि ऋषभ को टाइम पे हॉस्पिटल ले आए। दादी राखी माँ को तो नहीं बताया ना? अब तक तो नहीं पता है, पर पता चल जाएगा, ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं। भगवान जी का शुक्र है कि कुछ मेजर नहीं हुआ है। ऋषभ जी ठीक है अभी? वो तो मैं आपको पहले से जानता था इसलिए कॉल करके बुला लिया, पर ऐसा लगता है कि उस लड़की ने जानबूझकर एक्सीडेंट किया। किसने किया था ये एक्सीडेंट? ऋषभ जी की तबीयत इतनी खराब थी कि उन्हें फटाफट एडमिट कराना पड़ा, तो हमने ये तो इंक्वायर किया ही नहीं कि एक्सीडेंट आखिर किया किसने है। वो अंजलि मैम ने। मैंने कई बार पहले भी देखा है उन्हें काव्या बेबी के साथ स्कूल में। एक मिनट, अंजलि कहीं ये अंजलि तो नहीं? हाँ यही थी। एक्सक्यूज मी, आप सब लोग बाहर जाइए, पेशेंट को रेस्ट करने दीजिए। डॉक्टर साहब थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए हम यहाँ। नो सॉरी, प्लीज डॉक्टर। ठीक है लेकिन थोड़ी देर। थैंक यू। आराम से चलो। तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? तुम जैसे ना पगलेट नहीं देखी मैंने। मैंने पहले ही कहा था व्हीलचेयर ले लेते हैं, पर नहीं, चलने में तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है। तुम कितना क्रिप करते हो यार। ऐसे मत बिहेव करो जैसे तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं। ओके ऑनेस्टली हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो एक्सीडेंटली हुआ है ना, और तुम देख सकते हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे गुस्से में तुम बहुत क्यूट लगते हो। व्हाट, कुछ ढंग का कॉम्प्लीमेंट दो, कॉल मी हैंडसम। मैं देती हूँ तुम्हें कॉम्प्लीमेंट, क्रिमिनल। क्रिमिनल व्हाट? तो तुम्हारे कहने पर अंजलि ने ऋषभ जी का एक्सीडेंट किया? क्या वो ऋषभ की गाड़ी थी? ऋषभ ठीक है? ये झूठा कंसर्न मुझे मत दिखाओ। गॉड्स ग्रेस वो ठीक है। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो ऋषभ की गाड़ी है, मैंने जानबूझ के नहीं किया। झूठ, झूठ बोल रही हो तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या ऋषभ जी से? हाँ क्या चाहते हो यार, क्यों उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हो? जब देखो तो उनकी जान के पीछे पड़े रहते हो तुम दोनों, उनको मारना चाहते हो क्या? मैंने बोला ना कि गलती से हुआ, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। ओ गलती से हुआ है, तुम बहुत भोली बनने की एक्टिंग करती हो, लेकिन मुझे पता चल गया है तुम इतनी भोली हो नहीं। जानबूझकर तुमने ऋषभ जी की कार का एक्सीडेंट किया और उन्हें चोट पहुंचाई, क्योंकि तुम उन्हें चोट पहुंचाना चाहती थी, और तुम्हारे कहने पे ये सब हुआ है। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? अगर कोई समझदारी की बात करोगी ना तो मैं समझूंगा भी, तुम्हारी फालतू की बातें मुझे समझ में नहीं आती। हाँ क्योंकि इन फालतू की बातों में तुम्हारी रियलिटी छुपी हुई है जो तुम किसी को दिखाना नहीं चाहते।
तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? अच्छे से पता है मुझे कि तुम्हारे कहने पर इसने ऋषभ जी की कार का एक्सीडेंट किया, इसने उन्हें मारने की कोशिश की। तुम क्या बोल रही हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम इसलिए ऐसा करोगी क्योंकि इसने तुम्हें करने को कहा था, और ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इससे तुम प्यार करती हो। प्लीज छुपाने की कोशिश मत करो, सब दिखाई देता है। तुम्हारा बॉस है, बॉस को इंप्रेस करने के लिए कुछ भी करोगी। रीता, अंजलि के बारे में कुछ भी बकवास करने से पहले ना एक बार सोच लो। अगर तुम्हारे ऋषभ जी बहुत अच्छे इंसान है ना, तो मेरी अंजलि भी एक बहुत अच्छी लड़की है, ओके? अच्छी होगी तुम्हारे लिए, मेरे लिए बहुत ही बुरी है, क्योंकि इसने मेरे पति की जान लेने की कोशिश की, वो भी तुम्हारे कहने पर। जस्ट शट अप, ओके? क्या बोली जा रही हो? मुझे अर्जुन ने ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहा है, ओके? वाह 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 वाह, क्या सपोर्ट कर रहे हो एक दूसरे को। साफ पता चल रहा है दोनों की मिली भगत है, लेकिन इसने जो किया है ना, उसके लिए मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और हाँ, हो सकता है अर्जुन ने तुम्हें करने को नहीं कहा हो, तुमने अपने मन से कर दिया हो, क्योंकि तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में इसके लिए फीलिंग्स तो है ही, जानती तो हो कि ये चाहता क्या है, बस तो खुद कर दिया तुमने। एक्सक्यूज मी, इसने कुछ भी नहीं गलत किया है, ओके? सृष्टि, इसे यहाँ से ले जाओ, मुझे इसके साथ कोई बकवास नहीं करनी। एक्सक्यूज मी, ऐसे चीखने चिल्लाने से सच छिपेगा नहीं, इस लड़की ने जो किया है उसकी सजा इसे भुगतनी पड़ेगी, और ये भुगतेगी। ठीक है, तुम्हें जो करना करो, दीवारों के साथ सर फोड़ो, आई डोंट केयर। चलो अंजलि, लेट्स गो। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। एक्सक्यूज मी मैडम, प्लीज ये पेपर फिल कर दीजिए ना। कैसी तबीयत है ऋषभ जी की, होश कब आएगा? इन्हें होश बहुत जल्दी आ जाएगा, मगर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बाहर जाइए, पेशेंट को रेस्ट करने दीजिए। राखी चाची आ रही है महेश चाचू के साथ। ओह नो, मैं नहीं चाहती थी कि राखी माँ आए, ऋषभ जी को इस कंडीशन देखकर बहुत घबराहट हो जाएगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं, राखी मॉम डैडी जी ऋषभ जी के मॉम डैड हैं, अगर उनको नहीं बताएंगे तो किन्हें बताएंगे? ऋषभ, कैसे है ऋषभ, ये सब कुछ कैसे हो गया? डॉक्टर बताइए ना, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए आप लोग सब यहाँ पे क्राउड मत कीजिए, पेशेंट को रेस्ट करने दीजिए, प्लीज बाहर जाइए प्लीज। डॉक्टर्स वो सब कुछ कर रहे हैं जो नेसेसरी है, ऋषभ जी अभी ठीक है, काफी स्टेबल, अभी बस होश भी आ जाएगा थोड़ी देर में, लेट्स गो आउटसाइड। आराम से। मैडम को क्या हुआ सर? मैडम गाड़ी चला रही थी, आगे की कहानी खुद समझ जाओ। जी मैं पानी लेके आता हूँ। पानी चाय सब लेकर आओ भाई, यहाँ बैठ जाओ। तुम्हारे कहने पर इसने ऋषभ जी की कार का एक्सीडेंट किया, इसने उन्हें मारने की कोशिश की। तुम क्या बोल रही हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम इसलिए ऐसा करोगी क्योंकि इसने तुम्हें करने को कहा था, और ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इससे तुम प्यार करती हो। अंजलि के बारे में कुछ भी बकवास करने से पहले ना एक बार सोच लो। अगर तुम्हारे ऋषभ जी बहुत अच्छे इंसान है ना, तो मेरी अंजलि भी एक बहुत अच्छी लड़की है, ओके? क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम आज पहली बार प्रीता के खिलाफ खड़े थे मेरे लिए। सही कहा तुमने। यू नो व्हाट, यही बात मुझे प्रीता की बहुत गलत लगती है, हर बात पे उसे बस इल्जाम ही लगाना होता। अब मुझे पता है तुमने कुछ जानबूझकर नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। अब ऋषभ ठीक है ना, उससे कौन सा इतना प्यार करती है वो, जो इतना गुस्सा दिखा रही है, जो इतना आग बबूला हो रही है वो। तुम रहने दो।
क्या रहने दो? तुम रहने दो क्योंकि मैं तुमसे तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ और तुम ऋषभ और प्रीता की बात कर रहे हो। अब तो मुझे ऐसे लगता है ना जैसे तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है अर्जुन। तुम बस जेलस हो रहे हो कि प्रीता ऋषभ के बारे में सोच रही है। तुम रहने दो क्योंकि इस वक्त मेरे दिमाग में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। क्या अच्छा चल रहा है? बताओ। पक्का? अरे बताओ ना। मुझे ऐसे लगता है कि तुम प्रीता के खिलाफ खड़े थे क्योंकि तुम जानते थे कि मैं सही हूँ। हाँ तो तुम सही हो, उसमें गलत क्या है? So sweet अर्जुन, तुम कितना ख्याल रखते हो मेरा। मतलब मैंने तुम्हें एक कॉल किया और तुम भागते हुए हॉस्पिटल आ गए, और जब प्रीता ने मुझे कुछ गलत कहा तो तुमने मेरा स्टैंड लिया। अंजलि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती? अगर मैंने ऐसा कुछ गलत किया है जिससे तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं? अंजलि तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत स्वीट हो, हर मुसीबत में तुम मेरे लिए खड़ी रहती हो। जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तुम हमेशा होती हो। इनफैक्ट आज तो तुमने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। तुमसे मैंने सिर्फ एक बार कहा कि मुझे काव्या से बात करनी है, एंड यू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेक मी टॉक टू हर। दैट्स सो ब्यूटीफुल। अंजलि जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ना वो कुछ भी नहीं है उसके सामने जो तुम कर रही हो मेरे लिए। और अंजलि एक बात बताऊँ तुम्हें, तुम मेरे लिए जो कुछ भी करती हो ना दिल से करती हो, तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ दिल से कर सकता हूँ ना। कर दूं, उठा के ले जाना पड़ेगा। अंजलि को इतना सुनाया कि मेरे दिल को ठंडक पै गई। बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन वो अर्जुन वो उसकी इतनी साइड ले रहा था, मन कर रहा था कि अंजलि को तो चमाटे मार दो। सृष्टि अर्जुन के बारे में सोचना छोड़ दो। वो किसकी साइड लेता है, किसकी साइड नहीं लेता है, क्या करता है क्या नहीं करता है उसके बारे में सोचना छोड़ दो अब यार। प्लीज यार फॉरगेट इट। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ मैं वो काव्या बेबी के स्कूल में प्यून हूँ मैडम। मैंने ही प्रीता मैडम को कॉल किया था। वहीं स्कूल के बाहर ये ऋषभ सर की कार अंजलि मैम की कार से टकराई थी। वो अंजलि मैम को तो ठीक से ड्राइविंग भी नहीं आती है। मैंने दूर से ही सब साफ साफ देखा था। व्हाट बॉय, सीनियर डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। क्या हुआ? डॉक्टर साहब क्या हुआ? मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? डोंट वरी मैम, सब ठीक हो जाएगा। हम पेशेंट को स्टेबल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये मैम, जब मिस्टर लूथरा का एक्सीडेंट हुआ तो उनका सर बहुत जोर तरीके से बैंग हुआ है मैम। तो समझने की कोशिश कीजिए, उनको सर पे गहरी चोट आई है, ठीक है? तो बहुत केयरफुली हमें उनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ओके हे माता रानी, मेरे ऋषभ की रक्षा करना मेरे बेटे की। और वो अंजलि, अगर सच में उसने ये एक्सीडेंट किया है तो उसे उसके किए की सजा जरूर देना।
अंजलि अंजलि पहले तुम मुझे ये बताओ कि काव्या ने फोन पे आने से पहले तुमसे क्या कहा था। वो तुमसे नाराज तो थी और वही बात उसने तुमसे फोन पर भी कही, लेकिन वो तुमसे प्यार बहुत करती है। जानता हूं, मेरा खून जो है मेरी बेटी है, उसे बहुत प्यार करता हूं। सर पुलिस आई। आप यहां क्या हुआ है? इंस्पेक्टर, इस लड़की ने मेरे बेटे ऋषभ को मारने की कोशिश की है, जानबूझ के। प्लीज अरेस्ट कर लीजिए इसे।